ऐसा ये क्यों होता है कि एंट्री टेस्ट में टॉपर के कम मार्क्स आ जाते हैं और एक एवरेज स्टूडेंट के उससे ज्यादा? अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड एमल आलम खट्टर, स्टूडेंट ऑफ एयू मेडिकल कॉलेज, एंड आई एम बैक विद एन इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर नेशनल एप्लीकेट एस्पायरेंट। आई विल टॉक अबाउट दोस फाइव बेसिक पॉइंट व्हिच एवरी स्टूडेंट शुड कीप इन माइंड। लाइक अभी तक आपने जितने भी वीडियोस देखे होंगे इसमें यही कहा होगा कि कौन से चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से आपने नहीं करने, लेकिन कोई इन बेसिक पॉइंट्स पे बात नहीं करता। लाइक आई विल टॉक अबाउट प्रॉपर मेथड ऑफ सॉल्विंग द पेपर व्हेन इट कम्स टू बबल शीट। और काफ़ी स्टूडेंट्स के इस वजह से जितने वो मार्क्स एक्सपेक्ट करते हैं उसे कम आ जाते हैं, और मुझे यकीन है जितने मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो इन मेरे बेसिक पॉइंट के साथ एग्री करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू गाइस शेयर दिस ऑन योर स्टोरी और विद योर फेलोज। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर देम आल्सो। सो लेट्स गेट बैक टू अवर टॉपिक। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया और एट द एंड ऑफ पैराग्राफ यू जस्ट रियलाइज के यू रिमेंबर नथिंग? So point number one is proper routine. As you all know, whatever you study get retained into your memories midnight while you are sleeping. So proper routine आपकी end days में ये होनी चाहिए कि आप रात के 1 बजे तक ज़्यादा से मैक्सिमम जाए और फिर सो जाए, ताकि सुबह आप जल्दी उठें और आपका ब्रेन सुबह के टाइम ज़्यादा एक्टिव होता है। सो ये आपको दो तरह से हेल्प आउट करेगी। जो चीज़ आप होल डे आप पढ़ते हो या देखते हो या सुनते हो, आप लेक्चर सुनते हो, कुछ भी करते हो, तो ये आपकी सबकॉन्शियस माइंड में ज़्यादा अच्छे से रिटेन हो सकती है। और दूसरा, ये आपको हेल्पफुल इसलिए है प्रॉपर रूटीन एंड डेज में जल्दी सोना, क्योंकि आप जब पेपर वाले दिन कोशिश करते हो जल्दी सोने की, लेकिन अगर आपने सारा जो आपकी रूटीन है चलती भी आ रही है पेपर के दिन तक, आप सुबह नमाज तक पढ़ रहे हो या सुबह नमाज के बाद तक पढ़ रहे हो, और तो आप कैसे फिर सोच सकते हो कि आप पेपर वाले दिन जल्दी आपको नींद आ जाएगी और आप एक फ्रेश माइंड के साथ सुबह पेपर के लिए उठ सकते हैं। सो मेरी आपके लिए सजेशन यही होगी कि आखिरी इन 10 to 15 days जितने भी आपके रिमेनिंग है इसमें आप एक प्रॉपर रूटीन बताएं जल्दी सोने की, ताकि पेपर वाले दिन आपको जल्दी से नींद आए और आप सुबह एक फ्रेश माइंड के साथ पेपर देने जाएं। पॉइंट नंबर टू, प्रॉपर रिवीजन। रिवीजन का मैं पहले आपको कंसेप्ट समझा दूं, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे रिवीजन को करना ज़रूरी नहीं समझते, तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट सी एग्जांपल और अच्छी एग्जांपल ले रहा हूँ आपके समझने के लिए। अब फर्ज करें आप घर से निकलते हैं, आपको एक लड़का नज़र आ जाए या कोई लड़की नज़र आ जाए, आपको कोई अच्छा बस मेरा मतलब है कोई चीज़ आपको अच्छी दिख जाए ना, तो वो अब अगर आप उसको सारा दिन उस पर सोचते हैं या किसी के साथ डिस्कस करते हैं, मैंने ये बिल्डिंग देखी, ये डिज़ाइन मुझे अच्छा है, ये लड़की मुझे पसंद आई, ये लड़का मुझे अच्छा लगा आज, तो उसको जब आप रिपीटेडली सोचते तो आपका माइंड उस चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिटेन कर पाते हैं, और जो बाकी चीज़ें आप उसको निगलेक्ट और कट आउट करता है। अब जो चीज़ आप रिविजन करते हो उसको आप बार बार रिपीटिव वे में करते जाते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में काफ़ी अच्छे से रिटेन हो पाती। अब उस दिन उसने हज़ारों और चीज़ों को भी देखा होगा, बाकी लोगों को भी देखा होगा, अगर मैं उसको दोबारा वही चीज़ नज़र आ जाए तो वो 1 महीने बाद उस लड़के या लड़की को आराम से पहचान जाएगा जो उससे अच्छा नज़र आया था उस दिन से। ये तो मेरा मकसद ये है कि आपने लास्ट 10 to 15 days में अपनी रिवीजन स्टार्ट कर लेनी है, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। अब मैं ख़ुद प्रोफ के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो मैंने अभी अगर न्यूरो कर रहा हूँ तो मुझे कोई चीज़ नज़र आ जाए पेपर के दिन जो मैंने रिपीटिव की, तो उसकी एक पिक्चर आपको नज़र आ जाती है पूरी, अच्छा मैंने बुक में ये चीज़ यहाँ पर पढ़ी थी, इसकी ये डिस्क्रिप्शन थी, ये डेफिनेशन था, ये फार्मूला था इसका। तो आपने रिवीजन अभी स्टार्ट कर लिया, जिन्होंने स्टार्ट कर दी है वेल एंड गुड है, कुछ लोग आखिर में पढ़ना स्टार्ट करते तो उनके लिए काफ़ी शॉर्ट टाइम रहता है, लेकिन सेंस ये है कि आपने जितना भी पढ़ लिया उसको आप रिवाइज मस्ट करें, पेपर से पहले जितना भी हो सके उसको रिवाइज कर लें, ताकि जो आपने पढ़ा है उसको आप यूटिलाइज तो कर सकते हैं। अब जो पेपर के दिन आपको भूल जाए, 1 महीने पहले जो आपने फार्मूला पढ़ा था आपको 1 महीने बाद कहाँ याद रहता है, तो पेपर से पहले उसको रिवाइज करना मस्ट है, तो आप अच्छे से उसको पेपर के दिन डिलीवर कर पाएंगे। सही। पॉइंट नंबर थ्री, सेल्फ बिलीव। यू मस्ट बिलीव व्हाट एवर यू हैव स्टडी फॉर द पेपर विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एट द एंड इंशाल्लाह। लाइक दिस विल कीप यू रिमेन पॉजिटिव व्हाइल दीज डेज। और आपको ये मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये बेवकूफ़ी नहीं करनी कि चूँकि अभी आपका प्रोविजनल टेस्ट है तो काफ़ी स्टूडेंट टेंशन में आ गए होंगे, मुझे पता है, तो वो कभी एक से पूछ रहे हैं कि क्या करूँ, कभी दूसरे से पूछ रहे होंगे क्या करें, तो एक चीज़ मैं बता दूँ कि आप स्टिक टू वन सिलेबस और 1% गाइडलाइन से मेरा मुराद ये है कि आप एक सिलेबस को फॉलो करें, चूँकि मैं प्रेफर करूँगा आप फेडरल बोर्ड या पंजाब बोर्ड की बुक्स को फॉलो करें, क्योंकि उससे आपके बलोचिस्तान, सिंध और
के पीके के सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाते हैं, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स के फार्मूला चेंज नहीं होंगे। लेकिन जो फेडरल और पंजाब बोर्ड का अगर आप कोर्स करते हैं उसमें काफ़ी डिटेल दी हुई है, तो डिटेल में आपके जो बाकी टॉपिक्स हैं वो भी कवर हो जाते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको पता हो जाती हैं। तो ये चीज़ आपने करनी है, बस एक पर्सन से गाइडलाइंस लिए, अच्छा मैं आप ये बुक करूँ, ये वाली करूँ, ये पास पेपर यूज़ करूँ। एक बंदे ने जो मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट है या उसने आपको गाइडलाइन दे दी है या जिसने पहले वो टेस्ट दिया हुआ है, सही है। और दूसरा मैं ये बता दूँ कि अभी आपके जो प्रोफेशनल लोग हैं उसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, तो आपने ये कोशिश कर लेनी है कि जो चूँकि केमिस्ट्री और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, तो कोई अच्छी सी प्रैक्टिस एमसीक्यूज बुक मैं कहूँगा। अगर पास पेपर तो आपने वैसे भी कर लिए होगी, अगर नहीं की तो पास पेपर वाले एमसीक्यूज भी देख ले, कुछ चीज़ें आपको रिपीटेड मिल जाती हैं एमसीक्यूज के लिए जो आपके लिए प्लस पॉइंट होते हैं। और बाकी आप प्रैक्टिस कर लें केमिस्ट्री और फिजिक्स के एमसीक्यूज, 1 वीक ले लेगा आपसे वो कर लें और साथ में अपनी रिविजन स्टार्ट कर लें, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। और आप एक ख़ुद पर बिलीव रखें, जो आप मेहनत करें वो एट दी एंड आपको उसका ज़रूर सिला मिलेगा, और आप उसको करें जो आपके लिए बेनिफिशियल है। यानी ये नहीं है कि एक बंदे ने क्या कह दिया आप हो भी नहीं रहा आपसे और आप उसके पीछे लग जाए, जो आप कर रहे हो वो भी आपसे रह जाएगा। सो रिवीजन अपनी स्टार्ट करें और एक ही गाइडेंस और एक ही कोर्स को आप फॉलो करें। से पॉइंट नंबर 4, माइंडसेट ड्यूरिंग द पेपर, यू शुड मास्टर दिस थिंग, क्योंकि पेपर वाले दिन काफ़ी लोग टेंशन में आकर ऐसे आसान एमसीक्यूज गलत कर देते हैं जो उनको आते भी होते हैं, सही है। तो ये ऐसा क्यों होता है, मैं इसका कंसेप्ट आपको बता दूं, क्योंकि अभी मैंने भी 2020 में अपना दिया हुआ था नेशनल एमडी कैट, तो हमारा टाइम था 7 बजे का। अब 7 बजे हम गए पेपर की एंट्रेंस हमें यूनिवर्सिटी में 10 के बाद की थी, तो 3 घंटे हम बाहर रोड के ऊपर थे। अब आपने ये नहीं करना कि सुबह गए तो बुक उठा ली, एग्जामिनेशन हाल के बाद भी आप बुक पढ़ रहे हैं। तो साइकोलॉजी का ये मानना है कि अगर आप पेपर से पहले 30 मिनट 40 मिनट पहले जो चीज़ पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वो आपको उल्टा बोलने लग जाती है, क्योंकि आप वो टेंशन में कर रहे होते हैं, वो तो मेमोरी में रिटेन होगी नहीं वो चीज़, तो करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करते हैं लोग, जाके बुक उठा लेते हैं, वो करते हैं, तो उससे आपके नेगेटिव पॉइंट ये, आप टेंशन में भी आ जाते हैं और उल्टा आप जो है वो चीज़ें बोलने लग जाती है। तो आपने ये करना है, सुबह के पेपर जिस टाइम भी स्टार्ट हो रहा है आप दोस्तों के साथ, दोस्त नहीं आपके बाकी इतने लोग आए होते हैं, आप उनसे डिस्कस किया करेंगे कि आप कहाँ से आए, इस तरह बंदा काफ़ी चीज टॉपिक्स पे प्रोडक्टिव वे में डिस्कशन कर सकता है। तो ये चीज़ें आपको एक तरफ आपका माइंड टेंशन की साइड पर डिप्रेशन की साइड पर नहीं जाने देगी, इसलिए आप एक्टिव रहेंगे और आप फ्रेश फील करेंगे। उल्टा कि आप बुक उठा लें, आप दोबारा सुबह 7 बजे गए हैं एग्जामिनेशन हॉल, भाई जान आपने केमिस्ट्री के बुक उठाई है, तो फिर तो आप वो एमसीक्यूज उस टाइम इतनी टेंशन में होते हैं कि बुक पढ़ के भी आपको वो सॉल्व नहीं होते। तो जब बुक पढ़ के एक चीज़ सॉल्व नहीं हो रही और आंखों के सामने और 10 बजे आपका पेपर हो रहा है, तो आप टेंशन में तो आएंगे ही ना। तो इससे आपके जो एमसीक्यूज में फिर आप एग्जामिनेशन हॉल में भी पेपर नहीं आया होगा, आप फुल टेंशन काम रहेंगे, सही है, वाइब्रेशन कर मोड में चले जाएंगे। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि सुबह से पहले आपने रात तक जितनी रिविजन कर लिए बस कर लिए, सुबह आप जाए बंदा अपने के साथ दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, आप कोई वजीफा कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं आप वो पढ़ सकते हैं, या दोस्तों के साथ आप प्रोडक्टिव डिस्कशन हंसी मजाक कर सकते हैं ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे। और मैं दूसरा, आप पानी की बोतल साथ लेकर जाए, टॉफीज लेकर जाए, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया अगर आपको होता है तो आप वो इसके बजाय जल्द लेके अपना टाइम वेस्ट करके बाहर जाएं, तो आपके पास पानी सब कुछ अवेलेबल होगा, आप अपना ही यूटिलाइज करें क्योंकि शॉर्ट टाइम होगा ताकि आपके पेपर का टाइम वेस्ट ना हो सके, सही है। तो इन पॉइंट्स को आपने माइंड में रख के पेपर देने जाना है ताकि आपका पेपर जितने से अच्छा आप डिलीवर कर सकें, क्योंकि मार्क्स का डिफरेंस यहीं पर आ जाता है, एक टॉपर है और एक एवरेज स्टूडेंट है। टॉपर कम आ जाते हैं, उसने इतना पढ़ा भी होता है, क्यों कम आ जाते हैं, क्योंकि उसने इतना ज़्यादा पढ़ा होता है वो कन्फ्यूज भी हो जाते हैं एमसीक्यूज में, और दूसरा उसके पास टेंशन होती है क्योंकि उसने वो पास पेपर के एमसीक्यूज भी उसके माइंड में आ रहे होते हैं, दूसरे पास पेपर के भी आ रहे होते हैं, तो सारी चीज़ें अपने साथ कोलैप्स कर जाती है, सही है। तो आपने करना है कि आपने प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो करना है, अपने आप पे बिलीव रखना है और एक अच्छे माइंडसेट के साथ वो जितना आप काम रह सकते हैं पेपर वाले दिन उतना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। पॉइंट नंबर 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, प्रॉपर मेथड ऑफ सॉल्विंग द पेपर। यही वो पॉइंट है जहाँ पे एक टॉपर के ज़्यादा कम मार्क्स आ जाते हैं और एक एवरेज स्टूडेंट के ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि अभी बबल शीट आपने उस पर फिल करना है आपका, जाहिर सी बात है क्वेश्चन पेपर कंप्यूटराइज तो ख़त्म हो गया है। तो पेपर शीट का मैं बता दूँ, कुछ लोग इस तरह करते हैं कि वो पूरे क्वेश्चन पेपर पे 200 के 200 एमसीक्यू सॉल्व करके उसको फिर बबल शीट पे एंड पे करते हैं, कुछ लोग इस तरह 20 एमसीक्यू को करते हैं, कुछ लोग 50-50 करते हैं, लेकिन मेरे लिए जो बेस्ट तरीका है उसको मैं बता देता हूँ, वो ये है
जो मैंने सारे अपने एकेडमी टेस्ट में और फाइनल टेस्ट भी जो दिया था अपना उसमें भी किया, उसमें मेरे से सिर्फ एक ही एमसीक्यूज गलत हुआ था, वो भी इस तरह था क्योंकि उसको मैंने अलग से वो सॉल्व करने वाला आउट ऑफ कोर्स आया तो उसको मैंने सॉल्व किया, आंसर भी मैंने सही निकाल लिया था, लेकिन उसको जब मैं बबल शीट पर लेकर आने लगा था तो वो जो इतना टेंस माहौल था तो वहाँ पर मेरे से दो एमसीक्यू सिर्फ ऊपर नीचे हुए थे, लेकिन बाकी जितने भी एमसीक्यूज थे उसको मैंने सही फिल किया था सही। तो ये अभी इसका मेथड क्या था कि आपने क्वेश्चन पेपर उठाया, पहला एमसीक्यूज आपने वहाँ किया, पहले मैंने यहाँ पे लगा दिया, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व किया, उसको बबल शीट पे सॉल्व किया, तो जहाँ पे आप 10 एमसीक्यूज में एक एमसीक्यूज मुझे नहीं आता उसको छोड़ दिया, बाकी साथ साथ में करता गया। अब जो 200 एमसीक्यूज को एट द एंड में फिल करते हैं या 50-50 करते हैं उसमें ज़्यादा चांसेस है कि आपके गलत होने के, इस तरह कि आप फर्स्ट करें आप 200 को एंड पे कर रहे हैं, अब 50 एमसीक्यूज आपने सही बबल शीट पे सॉल्व कर लिया, अब 50 के बाद 51 आपसे गलती से 52 पे चला गया, 51 को आपने छोड़ दिया, अब 52 के बाद जितने आपने 200 तक सॉल्व किए उनकी सीक्वेंस क्या होगी, आपसे गलत होगी, सही है, बीच में आप कहीं भी रियलाइज करेंगे तो आपको आता हुआ भी जो पेपर है आपने अपनी गलती से उसको गलत कर दिया, आपको उसके पॉइंट नंबर तो नहीं मिलेंगे, मार्क्स आपके कम आएंगे, तो आपने इतनी मेहनत की उसको आप सही से डिलीवर ना कर पाओ, इस पे ज़्यादा बंदे को दुख होता है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने पेपर वाले दिन उसी मेथड को फॉलो करना है जो आपने प्रैक्टिस टेस्ट अकेडमीज में प्रैक्टिस किए हो, जिस पे आपकी प्रैक्टिस और आपको फुली श्योर हो कि इसमें मुझसे गलती नहीं हो सकती, और अगर जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अकेडमीज के संडे टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट नहीं दिए हुए तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि आखिरी 2-3 हफ्ते इसमें जितने भी टेस्ट आप दे सकते हैं अकेडमीज के दें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, इससे प्रैक्टिस का टेस्ट आपका एक फ़ायदा होता है कि आपका जो टाइम होता है उसको मैनेज करना आप सीख जाते हैं, और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि उसको फिलिंग आपको सही तरीके से कर सकते हैं, अब बबल शीट रखी इसलिए होती है क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग भी है, और दूसरा अगर उससे आप बाहर चले जाते हैं सर्कल से तो आपको एमसीक्यूज का नंबर नहीं मिलता, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, और आई वुड रिकमेंड अगर आपने अभी तक अकेडमीज के टेस्ट नहीं दिए तो उसको स्टार्ट करें, अकेडमीज के टेस्ट दें, उस पर फोकस करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो ज़्यादा से ज़्यादा। पॉइंट्स तो ख़त्म हो गए लेकिन ये ऐसे पॉइंट्स है जिस पे बंदा अगर एक घंटा भी बात करे तो कर सकता है आराम से, लेकिन एंड में मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि पेपर वाले दिन आपकी लक भी मैटर करती है, तो इसलिए आप दुआ करके जाएँ, नमाज पढ़ के सुबह आराम से जाएँ, कुरान शरीफ पढ़ के जाएँ, सब कुछ करें, क्योंकि लक का मैं इन सेंस अच्छी भी हो सकती है। अब मैंने जो दो एमसीक्यूज आपको बता दिए मैंने गलत किया, उसका फ़ायदा ये हुआ था कि मैं चाहता था कि मेरा एडमिशन अयूब मेडिकल कॉलेज जो केपीके का सेकेंड बेस्ट कॉलेज है उसमें हो, और मेरे अबू चाहते थे कि खैबर मेडिकल कॉलेज जो केपीके का टॉप है बेस्ट मेडिकल कॉलेज है नंबर 1 पे आता है उसमें हो, लेकिन अब जो मेरे दो एमसीक्यूज वहाँ से गलत हुए हैं तो उसका फ़ायदा ये हुआ है मुझे कि मेरा जो मेरिट लिस्ट पे नाम है वो सेकंड बेस्ट कॉलेज यू मेडिकल कॉलेज में आ गया था, अब मेरा एडमिशन तो वहाँ पे हो गया था, लेकिन बाय चांस उसी ईयर पीएमसी ने जो सीट इंक्रीज़ की मेरा नाम फिर खैबर मेडिकल कॉलेज में आ गया था, तो अब वहाँ से मुझे कॉल आई है, मेरे पेरेंट्स को पता नहीं है, तो मैंने खैबर मेडिकल कॉलेज की वो सीट कैंसिल करके अयूब मेडिकल कॉलेज में ही अपना एडमिशन कन्फर्म किया, अब मेरे अब्बू को भी नहीं पता था, उसका अम्मी को भी, पेरेंट्स को नहीं पता था, बस मैंने खुद कर लिया, तो इन लक का मैं ये सेंस कहूँगा कि पेपर वाले दिन कुछ भी हो सकता है, आप पेपर में फुली प्रिपेयर होके जाए, अपना 100% दें ताकि आपकी तरफ से कोई कमी ना रहे, अब जिन बंदों की तरफ से कमी रहती है उनको पता होता है कि यार मैंने फिलिंग में मिस्टेक कर दी है, मेरे से पेपर अच्छा सॉल्व नहीं हुआ, तो वो आपकी गलती है सही है, उसको आपको मानना पड़ेगा, आपके लिए कोई दूसरा बंदा आके पेपर तो सॉल्व नहीं करेगा, जो मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए उसको माइंड में रखिए और पेपर अपनी तरफ से अच्छा डिलीवर करें, अगर आपका एडमिशन नहीं होता इसकी कोई आपको वो नहीं है, आप उसको पॉजिटिव सेंस में ले, हो सकता है आपके अंदर कोई और एक्स्ट्रा स्किल्स हो, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल कॉलेज में आके भी अपने उस प्रोफेशन के साथ इतना उनका लगाव नहीं होता जितना उनके स्किल्स कोई आर्ट में लगा हुआ है, मैं खुद देख लिया आपके साथ वीडियोज़ बना रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें मज़ा आ रहा है सही है, तो ये मेरा कहने का मतलब है कोई आर्टिस्ट कोई किसी के अंदर भी इतने ज़्यादा स्किल्स है कि वो उसको डेवलप कर सकता है, और दुनिया आपको पता है ऑनलाइन सिस्टम है तो स्किल्स आप अपने डेवलप करके उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो मेडिकल के अलावा भी काफ़ी अच्छे प्रोफेशंस हैं, लेकिन अगर आपने मेडिकल ही करना है तो इसमें अपना 100% दें, बाकी आप अपना अल्लाह पे छोड़ दें, अपनी तरफ से तो आप 100% दे सकते हैं सही है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, और मेरी दुआ है कि आप सब जितने भी ये वीडियोस देख रहे हैं उनका एडमिशन हो जाए इस दफ़ा फर्स्ट टाइम में क्लियर हो जाए, अगर कोई रिपीटर है तो उसका भी इस दफ़ा में एडमिशन हो जाए, क्योंकि जितनी सीट्स हैं अगर 3000 सीट हैं 1200 सीट्स हैं वो तो हर साल पूरी करके ही रहनी होती है यूनिवर्सिटी वालों में, उसमें आपका नाम आ जाए
इंशाल्लाह। तो विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।